टीम इंडिया की जीत पर पूरा देश जश्न मना रहा है। इसी बीच व्हीलचेयर क्रिकेट इंटरनेशनल प्लेयर सौरभ से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की, सुनिए। भारत ने T20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका को बहुत ही बुरे तरीके से हराया है। उसके बाद पूरी दुनिया, भारत समेत पूरी दुनिया भारतीय टीम की बहुत ही तारीफ कर रही है। भारत में लोग जश्न मना रहे हैं। ऐसे में एक शख्स से आपको मिलवाना मैं चाहता हूं। हमारे साथ सौरभ हैं। सौरभ, भारत की तरफ से व्हीलचेयर जो क्रिकेट होता है उसमें खेल चुके हैं, दिल्ली की तरफ से खेलते हैं, यानी कि इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं। लेकिन सिर्फ अंतर यह है कि ये व्हीलचेयर से खेलते हैं और जो भारतीय टीम है वो बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करती है बिना किसी सहारे के। सौरभ से सीधा बात करते हैं। सौरभ, कैसे देखते हैं आप कि जिस तरीके से भारत ने जीत दर्ज की है, तो टीम के प्रदर्शन पे आप क्या देख रहे हैं? नहीं सर, काफ़ी अच्छा लगा कि जो 50 ओवर वर्ल्ड कप हुआ था उस हमने सारे गेम जीते लेकिन हम फाइनल में हार गए, तो उन्हीं गलतियों को ना रिपीट करते हुए टीम ने अच्छा परफॉर्म किया T20 वर्ल्ड कप में, और ख़ासकर फाइनल मैच में। काफ़ी प्रेशर मैच था। जिस तरीके से शुरुआती मैच में जो लग रहा था कि हम हाथ से हमारी चीज़ निकल जाएंगी, जिस तरीके से हम विकेट खो रहे थे, जो शुरुआती पावर प्ले में 2-3 विकेट निकल गए, तो क्या लग रहा है कि कहाँ कमी रह गया? आखिर क्या प्रेशर ज़्यादा लग रहा था या कैसा लग रहा था? सर, आई थिंक जो सेमीफाइनल था वो रोहित ने निकाला, तो सब प्लेयरों ने कोई ना कोई मैच में मतलब निकाल के दे। जैसे सेमीफाइनल में रोहित ने, तो विराट कोहली रह गए थे रन बनाने के लिए, तो विराट ने फाइनल में रन बनाए, तो सब ने ओवरऑल परफॉर्म दिया। और बुमराह तो खैर हर मैच में ही उन्होंने विकेट निकाल के दिया है मेन मौके पर। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि जो नॉर्मल प्लेयर्स होते हैं क्रिकेट मैच जो खेलते हैं, उनमें और आप में जो व्हीलचेयर खेलते हैं उसमें बहुतों का अंतर होता है। जैसे अभी मैं किसी बड़े खिलाड़ी के पास जाऊं तो उनका घर मैं आलीशान देखता हूं, सिक्योरिटी देखता हूं, लेकिन मैं ये घर देख रहा हूं, आपको बहुत छोटा सा घर है और आप अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, तो कहाँ दिक्कत होती है, अंतर कहाँ हो पाता है? सर, अंतर यही है कि अभी हमारे क्रिकेट को उतना टाइम नहीं हुआ है, 7-8 साल ही हुए हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी धीरे धीरे काफ़ी अच्छे प्लेटफॉर्म पे आ रहा है। BCCI ने भी सपोर्ट करना शुरू किया है, जो हमारा बोर्ड है DCCI, वो भी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि हमारा बोर्ड 3-4 डिसेबिलिटी को लेकर एक साथ काम करता है, तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी अभी मुश्किल है, लेकिन फिर भी हमारा बोर्ड पूरा कोशिश कर रहा है कि उसी जो नॉर्मल टीम को फैसिलिटी मिलती है हमें भी दी जाए, लेकिन फ़िलहाल तो खैर इतनी अच्छी कंडीशन नहीं है अभी। समस्याओं की बात करें तो कैसी समस्याएं आपको झेलनी पड़ती हैं दिनचर्या में, क्रिकेट खेलने में, या सिलेक्शन प्रक्रिया में, या विदेश जब आप खेलने जाते हैं बाहर, तो वो क्योंकि खर्चा ज़्यादा है, तो कैसे आप लोग करते हैं वो सब? जैसे मैंने बताया सर, अभी ऐसा BCCI कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, तो सबसे मेन दिक्कत तो पैसे की आती है कि अगर हम पूरा टाइम क्रिकेट को दे देंगे तो घर में क्या रहेगा, तो जॉब के साथ साथ वही वीकेंड पर प्रैक्टिस भी करनी होती है जितना टाइम मिलता है, ठीक है। तो एक तो ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, दूसरा इक्विपमेंट हो गया हमारे पास, वो नॉर्मल जो टीम है जिनको अच्छे स्पॉन्सर मिलते हैं हमारे पास उतने अच्छे स्पॉन्सर भी नहीं है। एक व्हीलचेयर यूज़र घर से निकल के जाता है जबकि इंडिया और ये दिल्ली इतना एक्सेसिबल भी नहीं है, तो उसको ट्रैवलिंग में भी प्रॉब्लम आती है, तो यही सारी स्पॉन्सरशिप ट्रैवलिंग को लेकर यही सारी दिक्कत है हमारे आगे। आपके पापा भी हैं, सौरभ के पापा भी, उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से इनका जो खर्चा हो पाता है, कैसे चल पाता है, कैसे हो पाता है, इनका खर्चा कैसे चलता है। सर, अंकल जी कैसे करते हैं पूरा खर्चा, और आप काम क्या करते हैं वो दर्शकों को बता दीजिए। सर जी, मैं DTC में कॉन्ट्रैक्ट पे ड्राइवर हूँ जी। अब सर, जब पहले ही इकले कमाने वाले थे, अब तो 2-3 साल थे, इसकी छोटी मोटी नौकरी लग रही जी, तो ये बच्चे हमारी लड़की बक्के, हम 3 ही आदमी हैं फिलहाल परिवार में, तो मिलजुल कर चला रहे जी, अपना किराए का मकान है अपना, इतना जितना कर रहे तो चल ही रहा फिलहाल तो जी। तो जब पहली पता चला कि सौरभ जो है क्रिकेट खेलने के प्लान कर रहे हैं, तो कैसा आपने सोचा कि भाई करवाते हैं, क्योंकि खर्चा ज़्यादा है और चीज़ें सुविधाजनक नहीं हैं, लोग बहुत ही अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। सर जी, हम भी जब से कपिल देव साहब वर्ल्ड कप उठा कर लाए थे ना, तो क्रिकेट के प्रति लगाव है, पश्चात वो लगाव ही मतलब बढ़ाता रहे आपस में, जब सब तक के क्रिकेट का पूरा ज्ञान है, मतलब हम भी बहुत खुश हैं। कल तो भले यहाँ छुट्टी भी कर ली रात को मैच देखने, फिर चलो भाई आज तो बड़ा दिन है, आराम करें। आपसे बात करते हैं, आपका क्या नाम है? अंशु। तो आप सौरभ से बड़ी हैं? नहीं, मैं छोटी हूँ। आप क्या काम करती हैं? मैं वेट लिफ्टिंग करती हूँ। अच्छा, आप भी प्लेयर हैं? हाँ। ये बहुत ही बढ़िया, दोनों आप तो आप कहाँ खेलती हैं? मैं स्टेट लेवल की प्लेयर हूँ, मैं साई JLN में ट्रेनिंग करती हूँ। तो आप लोग कैसे, मतलब जैसे भाई हैं तो भाई को दिक्कत हो रही है, तो कैसे आप सपोर्ट कैसे करते हैं? बस सपोर्ट तो
ये है कि मतलब इसका इतना दिल से है क्रिकेट को लेके, तो बस इसकी खुशी के लिए हम लगे रहते हैं इसके साथ। जैसे इसका मतलब ये बोलता है कि मतलब मेरे को हेल्प कर दो एंड ऑल, मतलब हम खुश हैं कि हाँ ये चीज़ कर रहा है, तो जो ये कहता है हम करते हैं। कैमरामैन अंकुश के साथ में मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।